और सब्सक्राइबर्स कैसे हो? अरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या यार? इतनी मेहनत पर पानी फेर दिया। चलो फटाफट सब्सक्राइब करो यार, कर दिया सर। चलो अब पढ़ाओ। दोस्तों, इंडिया की अंशु मलिक और सरिता मोर ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में क्रमशः सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। स्वागत है आप सबका करंट अवेयरनेस की इस वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे अंशु मलिक, सरिता मोर और वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के बारे में। मैं हूँ विनय चौहान, और अगर आप करंट, जनरल और बैंकिंग अवेयरनेस पर रेगुलर अपडेट रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उसके बगल वाली इस बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 जो कि नॉर्वे के ओस्लो में चल रही है, इसमें इंडिया की रेसलर अंशु मलिक ने सिल्वर और सरिता मोर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यह अपने देश के लिए हिस्टोरिक मूवमेंट है, क्योंकि अंशु मलिक देश की वो पहली महिला बनी हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में एंट्री मारी है। इसके पहले मात्र 5 महिलाओं ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता था और उन सब ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इनमें से अलका तोमर ने 2006 में, गीता फोगट ने 2012 में, बबीता फोगट ने 2012 में, पूजा ढांडा ने 2018 में और विनेश फोगट ने 2019 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब 2021 में अंशु मलिक ने सिल्वर और सरिता मोर ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर टोटल फीमेल मेडलिस्ट की संख्या 7 पहुंचा दी है। अब अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की बात करें तो सुशील कुमार एकमात्र इंडियन रेसलर हैं जिन्होंने 2010 में गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा इंडिया ने अभी तक वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 5 सिल्वर मेडल जीते हैं, जिनमें से अंशु मलिक को छोड़कर बाकी सारे सिल्वर मेडल पुरुषों ने जीते हैं। तो इंडिया ने अभी तक वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की हिस्ट्री में 20 मेडल जीते हैं, जिसमें कि 14 ब्रॉन्ज मेडल हैं, 5 सिल्वर मेडल हैं और 1 गोल्ड मेडल, जिसमें से कि 2021 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में अंशु मलिक ने सिल्वर और सरिता मोर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब अंशु मलिक और सरिता मोर का रिसाइडिंग स्टेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अक्सर छोटे मोटे एग्जाम्स में मेडलिस्ट के रिसाइडिंग स्टेट्स के बारे में पूछ लिया जाता है। तो अंशु मलिक और सरिता मोर दोनों ही हरियाणा से बिलोंग करती हैं। अब देखते हैं दोस्तों वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के बारे में। तो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप एमेचर रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप है, जो कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाती है। यह एक एनुअल इवेंट है जो कि हर साल सितंबर से अक्टूबर में ऑर्गेनाइज कराया जाता है। इसमें 3 टाइप के कॉम्पिटिशन होते हैं। फर्स्ट है मेन्स ग्रेको रोमन, सेकेंड मेन्स फ्री स्टाइल और लास्ट विमेन्स फ्री स्टाइल। तो जो सबसे पहला कॉम्पिटिशन है वह है ग्रेको रोमन रेसलिंग, जो कि 1904 में स्टार्ट हुई थी। फिर 1951 में मेंस फ्री स्टाइल इंट्रोड्यूस करी गई और लास्ट में इंट्रोड्यूस हुई विमेंस फ्री स्टाइल, जो कि 1987 में इंट्रोड्यूस करी गई। अब देखते हैं यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के बारे में, जो कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कराती है। यह एमेचर वर्ल्ड रेसलिंग स्पोर्ट के लिए एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है, जिसकी फाउंडेशन हुई थी 1912 में और इसका हेडक्वार्टर है कोर्सियर सुर वीवी स्विट्जरलैंड में और इसके प्रेसिडेंट हैं नेनाड लालोविक। दोस्तों, भारत में रेसलिंग की जो गवर्निंग बॉडी है वो है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, इसके प्रेसिडेंट हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह और सेक्रेटरी है वीएन प्रसूद। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग हर साल ऑर्गेनाइज कराई जाती है। लास्ट ईयर 2020 में ड्यू टू कोविड पैंडेमिक ये ऑर्गेनाइज नहीं हो पाई थी, तो इस साल 2021 में यह नॉर्वे के ओस्लो में ऑर्गेनाइज की जा रही है। नॉर्वे, जिसको कि ऑफिशियली किंगडम ऑफ नॉर्वे के नाम से जाना जाता है, और यह नॉर्दर्न यूरोप में सिचुएटेड नॉर्डिक कंट्री है। नॉर्डिक कंट्रीज नॉर्दर्न यूरोप और नॉर्थ अटलांटिक में सिचुएटेड जियोग्राफिकल और कल्चरल रीजन है। इसमें से सोवरन कंट्रीज जैसे कि आयरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क आते हैं। तो नॉर्वे एक नॉर्डिक कंट्री है जिसकी राजधानी ओस्लो और इसकी करेंसी है क्रोन। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसकी करेंसी है क्रोन। यूरोप में होने की वजह से यूरो से कंफ्यूज मत होने लगना। तो यहाँ की करेंसी क्या है? क्रोन। अब नॉर्वे का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो है यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि यहाँ का जो स्टेट का हेड होता है वो होता है मोनार्क, जो कि वही करता है जो उसको पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर बोलता है। तो ये हुआ नॉर्वे के बारे में। तो दोस्तों, ये तो हुआ वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के बारे में सब कुछ। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो kindly like, share and subscribe. Thanks for watching.